आज हम जाएंगे सूरत को एक्सप्लोर करने, तो सूरत में आज हम चौटा मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्रेन से गई थी, मेरे रेलवे स्टेशन से जो है 2-3 रेलवे स्टेशन छोड़ के ही सूरत स्टेशन पड़ता है, और वहाँ से मैंने ऑटो किया। तो रेलवे स्टेशन से ऑटो वाले भैया केवल 10 रुपये लेके ही चौटा मार्केट उतार देते हैं। सो ओनली 10 रुपीज़ लगेंगे अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो, और अगर आप बस स्टैंड से भी आ रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ 10-15 रुपये ही लगेंगे, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा पास हैं तो ज़्यादा चेंजेस प्राइजेस में नहीं रहते हैं। तो मैंने मार्केट में एंटर किया चौटा बाजार मार्केट में। सो एंटर करते ही सबसे पहले मुझे ये सेल दिखी जो कि 150 रुपये की थी। सो यहाँ पे 150 रुपये में कुर्तियाँ मिल रही थी और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, टॉप वगैरह भी थे भैया के पास और बहुत प्यारी प्यारी कुर्तियाँ थी। सो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियाँ भैया के पास अवेलेबल थी, बहुत ट्रेंडी कलर्स थे, लाइक पेस्टल कलर्स भैया के पास थे। ये येल्लो वाली कुर्ती मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी मुझे येल्लो कुर्ती। लाइक फेस्टिव सीजन हो या कुछ भी हो तो आप आराम से इनसे कुर्ती वगैरह ले सकते हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन था। कितने रुपए से स्टार्टिंग है आपके पास ये बताओ? 20 रुपए। ये कितने वाला है? 50 वाला। सो गाइस देखिए बहुत सुंदर सुंदर रिंग्स भी वहाँ पे अवेलेबल थी, लाइक 10 रुपए से ही रिंग शुरू हो जा रही थी। तो वहाँ से लेके 10 रुपए से लेके 150, 200, 300 तक भी बहुत प्यारी बहुत ब्रॉड रिंग्स थी। बट ये जो पर्टिकुलर शॉप है इस पे खाली 50 से 60 रुपीज़ तक की रेंजेस अवेलेबल थी। सो बहुत अच्छी अच्छी रिंग्स जो हैं, बहुत प्यारी प्यारी रिंग्स अवेलेबल थी। ये वाली रिंग 50 रुपये की थी और छोटी बड़ी पतली और पेस्टल कलर्स में, न्यूड कलर्स में सारी ही रिंग्स अवेलेबल थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। फ्लावर पैटर्न्स थे और भी कई सारी चीज़ें थी। सो उसके बाद मैं आगे बढ़ी और यहाँ पे मैंने बैग की सेल देखी तो 200 रुपीज़ ईच बैग था यहाँ पे। बहुत छोटे छोटे स्लिंग बैग्स थे और बैकपैक के साथ भी स्लिंग अटैच्ड बैग थे। बहुत अच्छे अच्छे बैग्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल थे। और देखिए कितना सुंदर बैग जो है मुझे ये वाला लगा, ये थोड़ा पीच पेस्टल कलर में है, बहुत अच्छा था। न्यूड कलर्स बहुत प्यारे प्यारे शेड्स थे। देखिएगा ये सब 200 वाली सेल थी। सो मुझे बहुत अच्छे लगे भैया के बैग कलेक्शन। सो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सेल थी गाइज यहाँ पे। ये कितने वाली है? 100 रुपये। और कम की रेंज की है? 50। सो यहाँ पे मैंने देखे ये इयररिंग्स के स्टॉल, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे इयररिंग्स हैं जो नीचे लगे हुए हैं ये 50 वाले थे और ऊपर जिनमें इनमें झुमका जो अटैच है ये 100 वाले थे। बहुत अच्छा कलेक्शन था गाइज, बहुत बहुत अच्छा कलेक्शन था। उसके बाद मैं आगे गई तो ये मंगलसूत्र की सेल यहाँ पे भैया ने लगा रखी थी और ये जो है 100 रुपीज़ ईच बोल रहे थे कि कोई भी ले लो 100 रुपीज़ में। बहुत अच्छे कलेक्शन थे भैया के भी, बहुत प्यारे प्यारे मंगलसूत्र टांग रखे थे और बहुत प्यारे प्यारे चेन पेंडेंट्स में भी टांग रखे थे जो आजकल ट्रेंडी हैं बहुत ज़्यादा, कुंदन वाले वो सब भी यहाँ पे थे। लाइक जो सीरियल्स वगैरह में भी हीरोइंस पहन रही हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल था। बहुत अच्छा कलेक्शन था। 100 की लेकिन 50 में आएगी। ये हां इधर पानी पूरी कौन सा वाला? ये 100 में आएगा लिक्विड वाला। ये सब 50। ये पक्का ये पक्का ये सब न्यू कलर। बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन जो है भैया के पास था लिपस्टिक का 50 रुपये में। आगे मैं गई तो मुझे यहाँ पे कड़ों का कलेक्शन देखने को मिला जो कि केवल 50 रुपये से शुरू हो जाता है। और यहाँ पे ना सूरत मार्केट में जो चौटा बाजार है यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कड़े चूड़े ये सब देखने को मिल जाएंगे गाइज। ये जो आप देख रहे हैं ये केवल 50 रुपये के कड़े थे। कैन यू बिलीव कि ये केवल 50-50 रुपये के पैकेट यहाँ पे पड़े हुए थे और आप इन्हें ले सकते हैं 50 रुपये में। बहुत अच्छा कलेक्शन था भैया के पास लिटरली गाइज, यू हैव टू विजिट चौटा मार्केट मस्ट। और चूड़े थे जो ब्राइडल चूड़े होते हैं वो सब अवेलेबल थे 150-200 में। और ये देखिए कितने हैवी चूड़ाज यहाँ पे अवेलेबल थे। बहुत मज़ा आ रहा था मुझे मार्केट एक्सप्लोर करते करते। भैया लिपस्टिक कितने वाली है? 100 रुपये। ये भी? हाँ। और ये? सेम रेट सारी। ये कितने की है? 150 का है।
सो यहाँ पे मैंने रिंग्स एक्सप्लोर करी। रिंग्स के बाद एक शॉप आई जहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी वॉचेज अवेलेबल थी, लाइक बहुत सुंदर वॉच का कलेक्शन था भैया के पास। मैंने बहुत सारी वॉच ट्राई भी करके देखी एंड ये ब्लैक वाली जो थी ये वॉचेस थी, एलईडी वॉचेस इनके पास अवेलेबल थी, और जो आजकल बहुत ट्रेंड में है एप्पल वाली जो वॉचेस होती हैं लाइक वो सब भी अवेलेबल थी। ओरिजिनल नहीं थी, सब लोकल थी, बट अच्छी थी, लाइक 100 रुपये से स्टार्टिंग थी, तो और क्या लोगे गाइस 100 रुपये में। सो टॉप्स की सेल के बाद मैं आगे गई तो मुझे दिखा वहाँ पे मेकअप। सो मेकअप की बहुत सारी वेराइटीज, बहुत सारी शॉप चौटा बाजार में है, लाइक मैं कितनी आपको बता दूँ और कितनी आप सुनोगे। बहुत सारी जो आई शेडो पैलेट्स थी इनकी स्टार्टिंग जो है 100 से 60 से 70 से 80 से फाउंडेशन थे, लेकिन गाइज मैंने देखा कि ये जो मेकअप था ना ये सब कॉपी था, कोई भी ओरिजिनल प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। सेम आगे आप जाएंगे वही वाले झुमके जो हमने पीछे देखे वो सब यहाँ पे 100 रुपीज़ की रेंज में आपको मिल जाएंगे। 150 से ज़्यादा का ईयरिंग यहाँ पे मैंने जो ऐसी स्टॉल्स हैं इन पर नहीं देखा। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे ईयरिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और कड़ा वगैरह और झुमके वगैरह वो सब भी मार्केट में बहुत अवेलेबल है। और आपके लिए मार्केट में एंटर होने के कई सारे रास्ते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप कौन से रास्ते से एंटर हुए। यहाँ पे ये साड़ी थी जो कि स्टिच ब्लाउज के साथ थी, वो भी केवल 500 रुपये की। गाइस 300-400 तो ब्लाउज की सिलाई ही चली जाती है, और यहाँ पे आपको ब्लाउज के साथ साड़ी मिल रही है वो भी केवल 500 रुपये में। सो कैन यू बिलीव कितना अच्छा प्राइस है यहाँ पे। सो जितने भी प्राइस मैं आपको बता रही हूँ सारे जेन्युइन प्राइस बता रही हूँ, कोई भी इसमें गलत प्राइस मैं आपको नहीं बताऊंगी। कुछ यूट्यूबर्स अपने वीडियोज़ में कम ज़्यादा बताते हैं, लेकिन मैं जो प्राइस भैया ने मुझे बोला वही आपको बताऊंगी, उससे 1 रुपये फालतू नहीं बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। सो यहाँ पे आगे बहुत लॉन्ग लॉन्ग नेकलेस थे जो कि केवल 100 रुपीज़ में थे, और बहुत अच्छी अच्छी पीसेज यहाँ पे थे। 120 का। सो गाइस यहाँ पे मैंने देखे दुपट्टे भैया के पास, ये वाला 120 का था, और बहुत अच्छे अच्छे दुपट्टे भैया के पास इसके अलावा अवेलेबल थे। सो ये थोड़ा बांधनी में दुपट्टा था जो कि मतलब मुझे चाहिए था इस टाइप का दुपट्टा, बट मैंने इस देखा कि ये 100 में भी मिल सकता था, बट उसकी क्वालिटी शायद अच्छी हो। और ये जो दुपट्टा था वाइट वाला गाइस, मैं बहुत पछता रही हूँ कि मैंने ये नहीं लिया, बट केवल ये 250 रुपये का दुपट्टा वहाँ पे अवेलेबल था, और आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है, लाइक मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ कि ये दुपट्टा मैंने क्यों नहीं लिया। बहुत अच्छा दुपट्टा था गाइस, फुल नेट एम्ब्रॉयडर्ड वर्क था इस पर। उसके बाद मैं आगे गई तो वही ईयरिंग्स के स्टॉल्स थे वहाँ पे, अलग अलग तरीके के ईयरिंग थे, जो ध्वनि के ईयरिंग्स होते हैं जो कि हम ब्रांडेड शोरूम्स वगैरह में देखते हैं, वो सब भी यहाँ पे अवेलेबल था लाइक। सो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे भैया के पास ईयरिंग्स का। एथनिक ईयरिंग्स थे, कुंदन के थे, और जो मीनाकारी वर्क के ईयरिंग्स यहाँ पे अवेलेबल थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल थी, चोकर्स अवेलेबल थे, लॉन्ग नेक पीसेज अवेलेबल थे, सिल्वर ज्वेलरी अवेलेबल थी भैया के पास, ब्लैक ज्वेलरी, ब्लैक ऑक्सीडाइज जो होता है वो सब अवेलेबल था, लाइक बहुत मस्त भैया का कलेक्शन था, आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। 19 रुपीज़ 100 ओनली। कलर भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, और सिर्फ 100 रुपये का, ओनली 100। 50 रुपये 50। सो गाइस आगे मैंने देखा तो वहाँ पे कुर्तियाँ मिल रही थी, ये थोड़ा फ्रॉक टाइप के कुर्ते थे, बहुत अच्छी सेल थी गाइस, 300, 200, 250, कई सारी रेंजेस थी, कई सारे पीसेस थे। ये वाले जो आप देख रहे हैं ये इनकी स्टार्टिंग जो है 200 रुपये से शुरू हो जाती है, और 400, 500, 600, 700 तक जाती है। सो बहुत अच्छे अच्छे पीसेस भी इनके पास अवेलेबल थे, ये वाला पीस मुझे पसंद आया। 200 रुपये का आएगा, मैगनेट वाला है, रनिंग आइटम है, ठीक है, फुल रेट है, फिर ये 150 में चेंज होगा, लगा के रखो, ये 100 रुपये का है, काली लाख से बड़ा, मैगनेट के लॉकर पर, और ये इधर ये 50 वाला कौन सा कवर नहीं है, एक ये वाला देना, एक ये दे दो।
सो गाइज मैंने वहाँ से कुछ पेंडेंट परचेस किए और आगे में गई तो मैंने देखा ये बैग की शॉप थी जो कि बहुत अच्छी थी। लाइक यहाँ पे ना शॉप नंबर्स या गली नंबर वगैरह नहीं होते, तो मैं आपको बता दूँ आपको खुद ही मार्केट में जाके शॉप्स ढूंढनी पड़ेंगी। छोटा बाज़ार एक बहुत बड़ा बाज़ार है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सुंदर सुंदर बैग देखे। सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुर्ते मिल रहे थे, कुर्ते 500 के दो थे यहाँ पे जो दीदी बैठ के सेल कर रही थी। बहुत तरीके के कुर्ते यहाँ पे थे गाइज, बहुत प्यारे प्यारे। ये देखिए कितना प्यारा कुर्ता, केवल 250 का एक और 500 के दो मिल रहे थे। सो आप आ सकते हैं ज़रूर छोटा मार्केट, एक बार ज़रूर आइएगा अगर आप गुजरात आ रहे हैं घूमने या गुजरात में रहते हैं तो। बहुत अच्छा कलेक्शन था, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन छोटा मार्केट में मिल रहा था। चिकन के कुर्ते, एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते, एथनिक कुर्ते, कोटा डोरिया कुर्ते, सारे कुर्ते अवेलेबल थे गाइस। बहुत प्यारा कलेक्शन था। सो गाइज आगे मैं गई तो मैंने देखा कि कुछ रिंग्स यहाँ पे अवेलेबल थी। ये वाली जो रिंग्स थी इनकी स्टार्टिंग 20 रुपये से हो जाती है और 100, 120, 60, 70 तक रहती है। और ये एथनिक रिंग्स थी यहाँ पे जो कि बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा काम ये इन रिंग्स पे किया गया था। इतनी अच्छी रिंग लाइक मुझे बहुत पसंद आई। उसके बाद मैं आगे गई तो ये एक शॉप मिली जिसका नाम था पटेल बाज़ार करके शॉप थी ये। इनके पास हील्स का, स्लीपर्स का प्लस पर्सेस का कलेक्शन अवेलेबल था। ये एंटीक कलेक्शन भी पर्सेस का और सैंडल्स का रखते हैं। तो मैंने इनकी शॉप को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, लाइक मैंने बहुत सारी चीज़ें इनकी शॉप में देखी। बहुत अच्छा इनका कलेक्शन था। इनके यहाँ पे 200, 500, 400, 600 की सेल लगी हुई थी। लाइक 200 से लेके इनके पास 500, 600 तक बहुत अच्छी सेल अवेलेबल थी। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलेक्शन इन भैया के पास था। और लाइक रेट्स भी बहुत जेन्युइन थे, बहुत अच्छे रेट्स थे। लाइक जो रेट्स हैं मार्केट में जेन्युइनली वही रेट्स इनके थे। और मिक्स प्राइसेस थे, जो इनके जो सैंडल्स थे उनके प्राइसेस जो है मिक्स थे। लाइक किसी का भी पर्टिकुलर जो है प्राइस नहीं इन्होंने लिखा हुआ था, बट बहुत 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 अच्छा कलेक्शन था इनके पास। सो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सैंडल का कलेक्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है। उसके बाद देखिए पर्स भी भैया दिखा रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए कस्टमर्स उनको पर्स दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लाइक ये लोग दुबई वगैरह से भी सामान इंपोर्ट कराते हैं, सऊदी वगैरह से सामान इंपोर्ट कराते हैं। एंटीक पर्स जो है शादी वाले, बहुत कुछ इनके पास अवेलेबल था। लाइक क्या क्या मैं आपको बताऊं, आप खुद ही देखिए कितनी तगड़ी रेंज यहाँ पे अवेलेबल है। ये वाला जो पर्स था जो कि मैंने ऑनलाइन देखा है और भी कई वेबसाइट्स पे देखा है, सब जगह इसका रेट मैंने 500 से ऊपर ही देखा है या 500 भी देखा है, बट यहाँ पे मुझे मिला ये केवल और केवल 200 रुपये में। तो मैंने इस डील को बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने दिया और मैंने इसको ले डाला। लाइक ये वाला पर्स मुझे बहुत पसंद आया। तो आप देख सकते हैं मैंने 200 रुपये भैया को दिए और अपना पर्स ले लिया। उसके बाद मैं आगे गई तो यहाँ पे सेम जो कलेक्शन था जो हमारे पेंडेंट्स होते हैं उनका, वो 50 रुपीज़ में था। तो बहुत अच्छे अच्छे पेंडेंट्स अवेलेबल थे गाइज, और क्या लोगे 50 रुपये में। लाइक 50 रुपये से स्टार्टिंग होती है और कई सारे रेट्स इनमें थे, भैया बोलते हैं मिक्स रेट थे यहाँ पे। तो बहुत अच्छा कलेक्शन था, बहुत बहुत अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे पेंडेंट हैं यहाँ पे। बटरफ्लाई का पेंडेंट है, कलरफुल में है, न्यूज में है, पिस्टल्स में है, बिग बॉस आइज पेंडेंट है यहाँ पे, क्वीन, किंग, मिस यूनिवर्स सारे पेंडेंट्स हैं। 3 लेयर, 2 लेयर, मल्टी लेयर, सारे लेयर्स यहाँ पे पेंडेंट्स की आपको अवेलेबल हो जाती हैं। आप देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है, मुझे बटरफ्लाई वाला पेंडेंट बहुत पसंद आया गाइज। उसके बाद आगे हम गए तो हमने देखा वहाँ पे कॉटन के दुपट्टे अवेलेबल थे। तो यहाँ पे ये जो दुपट्टा मैं आपको दिखा रही हूँ ये केवल 100 रुपये का था, बट उससे इसकी क्वालिटी कुछ डाउन थी। और यहाँ पे जब मैंने ये पर्स देखे तो यहाँ पे इनका कलेक्शन 400-500 का था, जबकि वहाँ पे कलेक्शन 200 रुपये का था। तो आपको मैंने बिल्कुल सही बोला था कि वो पर्स हर जगह महंगे मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने वहाँ से वो पर्स तुरंत ले लिया और मुझे कलर भी बहुत पसंद आया। भैया ने बोला सिंगल पीस था इसलिए उन्होंने मुझे कम रेट में दे दिया। फिर यहाँ पे मैं आई, यहाँ पे भी जो कि पर्स थे बहुत अच्छे थे भैया के। सो ये भी एक एंट्रेंस है सूरत में जो छोटा बाज़ार है उसका, तो एंट्रेंस कई सारे हैं छोटा बाज़ार के। तो ये एंट्रेंस जो रोड के साइड से एंट्रेंस है, लाइक जो हाईवे वाला एंट्रेंस है वहाँ से मैंने एंट्री करी थी। उसके बाद इसी गली में बहुत अच्छी अच्छी चूड़ों की शॉप्स हैं, वेडिंग ज्वेलरी। आप देख सकते हैं इन शॉप्स का मैंने नाम और नंबर सब मेंशन किया हुआ है, तो आप देख लीजिए।
सो ये लोग बोलते हैं अंदर आके आप देखो, बाहर से हम रेट नहीं बताएंगे। तो मैं वही देख रही थी, फिर मैंने, मेरे को वो लेना नहीं था तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। बट यहाँ बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जब मैं चौटा मार्केट गई तो लोग वक्त मुझे देख रहे थे लाइक, क्योंकि गुजरात में ये सब चीज़ें आम नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत कम लोग वहाँ पे व्लॉगिंग करते हैं। तो बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग वक्त खुश हो गए मुझे देख के, और मुझे भी बहुत मज़ा आया वहाँ की मार्केट्स को एक्सप्लोर करके। लोग वक्त बोल रहे थे मैम हमारी वीडियो बनाओ, हमारी वीडियो बनाओ। बहुत मज़ा आया गाइस, सब कुछ सूरत मार्केट में अवेलेबल था। आपको सूरत ज़रूर जाना चाहिए, चौटा बाज़ार एक बार ज़रूर जाना। लेडीज़ हों जेंट्स हों, सब तरह की कलेक्शन, सब तरह की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो पर्सनली आई रेट दिस मार्केट 10/9 or 8। बहुत अच्छी मार्केट है, आप लोग ज़रूर जाना। और मुझे बहुत मज़ा आया, ज्वेलरी कपड़े और कलेक्शन सब कुछ बहुत अच्छे हैं। आई लव वेरी मच टू एक्सप्लोर सूरत मार्केट, मुझे चौटा बाज़ार बहुत अच्छा लगा। आप लोग एक बार ज़रूर जाना। बाय बाय, सी यू।